अवेयरनेस लोगों के पास, हमारे स्टूडेंट्स के पास नहीं है. सो वील स्पेंड अ डिसेंट टाइम टुडे डिस्कसिंग दैट, और उसके बाद क्यू एन ए टाइम में आप लोग देन यू आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन. लेट मी स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स. ओके सो हु एम आई? मेरा नाम मुस्तफ़ा कासिम है. इस वक्त मैं सिडनी में होता हूँ. एनटीटी लिमिटेड के नाम से कंपनी है, उनके साथ साइबर सिक्योरिटी के डिसिप्लिन में काम करता हूँ. इंडस्ट्री में मैं तकरीबन, मुझे अब शायद 16 साल हो गए हैं. 2005 से मैं इंडस्ट्री में इन हुआ था, और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी में प्रॉपरली मैंने एंट्री 2013 में की, और उसके बाद से अभी तक मैं प्राइमरीली साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ. जो मेरे काम की नौयत है वो इट्स मोर लाइक प्लेइंग शर्लॉक होम्स थ्रू आउट द डे. हाउ इट्स लाइक प्लेइंग शर्लॉक होम्स, वो आगे चल के अगली स्लाइड्स में यू विल गेट अ बेटर आइडिया. ऑलराइट, सो आई थिंक यू गाइस हैव ऑप्शन टू रेज हैंड्स. तो आई वुड जस्ट आस्क के आप में से कौन है जो जिसने हैकर का वर्ड सुना हुआ है? आई होप सो के मेजॉरिटी लोगों ने, या आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल रेजिंग योर हैंड्स. ऑलराइट, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट. लेकिन आई एम श्योर के आप सबके जहन में जो हैकर का इमेज होगा वो कुछ ऐसा होगा, राइट? अनोनिमस सा, क्रिमिनल सा, और ख़तरनाक किस्म का या बुरा किस्म का. और उसी वजह से हमारे यूनिवर्सिटीज़ में हम जब ये बात करते हैं हैकिंग की, तो मोस्टली हमारे जो फैकल्टी है वो उसको डिस्करेज करती है. आप कहें कि आपने हैकिंग पे कोर्स करना है, या आपने आप ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करें, तो पीपल डोंट लाइक इट यूजली. उसकी वजह यही है कि इस वर्ड को मीडिया ने स्पेशली बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव वे में उसको प्रमोट किया है. और हैकर बेसिकली एक सिनोनिम बन चुका है क्रिमिनल का, कि अगर आप चोरी करते हो, ठीक है, वैसे तो हम आम लाइफ में कोई चोरी करे तो बुरा समझते हैं, लेकिन डिजिटल लाइफ में अगर आप किसी के अकाउंट के पैसे चोरी करते हो, जैसे हमें स्कैम कॉल्स आती रहती हैं, तो वो हम समझते हैं कि शायद वो हैकिंग का काम है, किसी के फेसबुक की आईडी हैक कर लेना या इंस्टाग्राम हैक कर लेना. और मोस्टली जैसे अगर खानदान में किसी को पता हो कि ये आपका ये बच्चा आईटी में है, तो डिफॉल्ट सवाल जो आता है, यार बेटा मेरे कंप्यूटर की जो है वो लैपटॉप की विंडो इंस्टॉल कर दोगे? इसी तरह से अगर किसी को पता चले कि आप साइबर सिक्योरिटी में हो, तो नॉर्मली लेमैन से पहला सवाल यही आता है कि यार फिर आईडी उठा लेते हो, आईडी हैक कर लेते हो? तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट जो है वो मिथ दैट वी कैन बस्ट इन टुडेज सेशन. अच्छा, अब ये जो इतना बड़ा मिथ है, जो इतना बड़ा राई का पहाड़ क्रिएट किया है, वो ऑफ कोर्स आपकी मीडिया ने क्रिएट किया. अब कौन सा मीडिया है वो मैं आपको जो है वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ. कि इट्स अ वीडियो दैट्स आई एम गोना प्ले, यू वांट हियर द साउंड, लेकिन देयर इज समथिंग आई वांट यू टू नोटिस, राइट? ये एक हैकिंग का सीन है, अपनी तरफ से दिखा रहे हैं मीडिया में, और बट आई वांट टू नोटिस यू समथिंग, जहाँ पे मैं पॉज भी करूँगा. अब इनकी कंपनी बुरी तरह से हैक हो रही है, इनका नेटवर्क, हैकर्स इनके नेटवर्क में आ चुके हैं, और ये उस कंपनी के हैकर हैं, और ये देखें ये क्या कर रहे हैं. लाइक ये दो लोग एक कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं. ये वो मीडिया है जो आपको हैकिंग की, हैकर की डेफिनेशन देता है. यार खुदा को मानो, वो कंप्यूटर में कौन सा ऐसा काम है जो एक कीबोर्ड पे अगर दो बंदे एक साथ टाइप करने लग जाएं तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा? तो दिस इज प्लेन स्टुपिडिटी, राइट? प्लेन स्टुपिडिटी. और यही वो मीडिया है जो कि इन हैकर्स के वर्ड्स को आपके सामने बढ़ा चढ़ा के स्टोरीज में और डिफरेंट तरीकों से प्रेजेंट करता है. बट इफ, और इसी वजह से जो एक प्रेशर क्रिएट हुआ है कि हैकर को एक बुरे लफ्जों के साथ पहचान देने के साथ, तो उसकी वजह से हम पर
साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में प्रेशर ये आया कि हमने एथिकल हैकर का वर्ड स्टार्ट कर दिया कि नहीं नहीं भाई, हम हैकर हैं लेकिन हम एथिकल हैं, हम बड़े इखलाकी हैकर हैं, हम कोई गलत हरकतें नहीं करते, क्योंकि अगर आप खाली हैकर का वर्ड यूज करो तो वो एक बुरे मायने में लिया जाता है। लेकिन असल में हैकर होता कौन है? हैकर इज अ सिनोनिम फॉर बीइंग जीनियस। एवरी जीनियस पर्सन इज अ हैकर। और आज के सेशन में अगर आप कुछ भी ना टेक अवे लेके जाएं, तो अगर सिर्फ यही एक मेंटल मॉडल, अगर यही एक कॉन्सेप्ट आप इस सेशन से टेक अवे ले जाएं, दैट विल बी द बिगेस्ट थिंग दैट आई वांट टू गिव टू यू। हैकर वर्ड मींस जीनियस, इट डज नॉट मीन क्रिमिनल, इट डज नॉट मीन बैड। जितनी भी आपकी मेजर इन्वेंशंस हुई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हैविंग ठीक है, आपके पास खुर्दबीन है, आपके पास ये स्पेस सैटेलाइट्स हैं, जितनी भी ऑसम इन्वेंशंस हैं वो सब हैकर्स ने की हैं। और सबसे सिंपल, नाउ मे बी सम ऑफ यू आर अनएबल टू रैप योर हेड अराउंड के यार ये कैसे हो सकता है, लाइक वो तो साइंटिस्ट नहीं बोलते उनको, तो हम वो तो हम उनको साइंसदान नहीं बोलते जो इन्वेंशंस करते हैं, हैकर कैसे हो गए? तो आपको मैं एक बड़ी सिंपल सी एक हैकिंग गैजेट, एक ऐसी इन्वेंशन बताता हूँ जो कि आप सबके घर में है और आपने उसको जिंदगी में सैकड़ों दफा यूज किया हुआ है, माइक्रोवेव। नाउ आप में से कितने लोगों को पता है कि माइक्रोवेव खाना कैसे गर्म करता है? आपने इसके अंदर कोई खाने की प्लेट डाली, बटन दबाया और गर्म हो गया। कैन आई सी योर रेज ऑफ हैंड्स, कि आप में से कितने लोगों को एक्चुअली आइडिया है? गुड गुड, अ लॉट ऑफ यू। सो जस्ट टू रिवाइज, आपके फूड में पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, H2O, और आपके जो माइक्रोवेव्स हैं, हर एटम एक खास सतह पे, एक खास क्या आप जिसको इर्ताश बोलते हैं, वाइब्रेट कर बोलते हैं, कि आपका हर एटम जिसके अंदर एनर्जी होती है वो एक वाइब्रेट कर रहा होता है। लेकिन जितनी चीज आपकी सॉलिड होती है वो उतने क्लोज होते हैं, और जितना आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे पानी है, ठीक है, आपने उसमें से एनर्जी जो टेम्परेचर की सूरत में है वो आपने कम की, तो वो एटम्स करीब आ गए बर्फ बन के। आपने उसको थोड़ी सी एनर्जी दी, आपने हीट दिया, हीट की फॉर्म में एनर्जी दी, वो मेल्ट होके क्या बन गया? पानी बन गया। और अब वो उसका जो एरिया है वो उसने ज्यादा ले लिया, वॉल्यूम उसका ज्यादा हो गया बर्फ की निस्बत। और उसी पानी को अगर आप और ज्यादा एनर्जी दो, हीट दो, तो वो आपका पानी एवेपोरेट करके भाप बन जाता है, और गैस के मॉलिक्यूल्स आपके सबसे ज्यादा दूर दूर फासले पर होते हैं। बेसिक आपकी फिजिक्स है, ठीक है, बेसिक साइंस है आपकी। अब आपका माइक्रोवेव में जो आपके वेव्स की फ्रिक्वेंसी है वो इस तरह से कन्फिगर्ड है कि वो उन पानी के मॉलिक्यूल्स को सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करती है। इस वजह से आपके कई बर्तन ऐसे जो कि माइक्रोवेव सेव होते हैं वो खुद गर्म नहीं होते, लेकिन उनके अंदर मौजूद फूड गर्म हो जाता है। सो उन वाटर पानी के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर करने से आपने उनके अंदर हीट प्रोड्यूस की, और उस हीट से वो फूड वार्म अप हो गया। नाउ अब फर्ज कर लें, आपने आज से इस माइक्रोवेव की इन्वेंशन से पीछे चले जाएं, तो जितने भी लोग इस इन्वेंशन में शामिल रहे हैं, व्हाट दे डिड, इसमें हैकिंग कहां से आ गई? हैकिंग हम बोलते हैं कि आप किसी भी एक फिनोमिना को ले लो, जो कि आपका नेचुरल फिनोमिना हो या आपका नॉन नेचुरल, जैसे आपका टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का फिनोमिना हो, उसको आप इतना इन और आउट समझ लो, जिसको हम कहते हैं ना अंदर बाहर होना, उसको आप इतना अंदर बाहर समझ लो कि फिर आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड कर सको, दैट इज अ हैकर। आपने माइक्रोवेव्स को उस लेवल पर जाकर उस डेप्थ में समझा कि आपने उसको जो हम बोलते हैं तस्खीर कर लिया, और उसको आपने एक डब्बे में बंद किया और 5,000 का वो डब्बा बेचना शुरू कर दिया। दिस इज प्योर हैकिंग। आपने वेव्स को मजीद हैक किया और आपने यहां से सैटेलाइट तक जो है वो डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। सो ऑल दीज इन्वेंशंस वर मेड पॉसिबल क्योंकि कुछ लोगों ने इन फिनोमिनास को अंडरस्टैंड किया और इस डेप्थ तक अंडरस्टैंड किया कि देन दे वर एबल टू मेक चेंजेस इन अ वे दे इंटेंडेड। और आपके कंप्यूटर्स के हैकर भी यही करते हैं,
वो किसी एक वेबसाइट को पकड़ते हैं, किसी एक मोबाइल ऐप को पकड़ेंगे, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को पकड़ेंगे और उसको उस डेप्थ में अंडरस्टैंड करेंगे कि देन दे कैन डू थिंग्स विच वर नॉट इंटेंडेड बाय डिफॉल्ट बाय द प्रोग्रामर. सो दैट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ हैकिंग एंड विद दैट इज सिनोनिम ऑफ बीइंग जीनियस. बट व्हाई, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, इतने लंबी जो है वो इतना बड़ा भाषण आपको क्यों दे रहा हूँ हैकिंग के ऊपर, इसकी फिलोसफी के ऊपर? क्योंकि भाई दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है. अभी कुछ ही हफ्ते पहले चाइना ने इंडिया से, जब बॉर्डर्स पर आपको मालूम है झड़पें चल रही थी चाइना और इंडिया की, तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने इंडिया के पावर ग्रिड्स में मैलवेयर पेनिट्रेट किया और उसको टेक डाउन कर लिया. कितने बड़े रीजन्स इंडिया के कितने ही घंटे या शायद एक दिन से ज्यादा का टाइम बिल्कुल डार्कनेस में रहे हैं. दिस इज अ साइबर अटैक, दिस इज अ साइबर वॉर, जो कि अभी कुछ हफ्तों पहले की न्यूज है. मोर, आपके चाइनीज हैकर्स ने इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी हैक किया. मोर, यूएस में भी रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है आपका, वो पानी का प्लांट जो कि पूरे शहर को पानी सप्लाई करता है, उसको क्योंकि उन प्लांट्स में पानी को साफ करने के लिए कुछ क्लोरीन और दूसरे केमिकल्स डाले जाते हैं और वो सब आपका कंप्यूटर्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है, तो हैकर्स ने उन नेटवर्क को हैक किया और उन्होंने उस पानी के अंदर जो केमिकल की मिकदार है वो कई दसियों गुना ज्यादा इतनी कर दी कि अब अगर कोई पीता तो वो सीधा उसकी मौत थी. सो दैट वॉज अ सीरियस अटैक जिससे कई हजारों लोगों की जानें जा सकती थी. ये इस लेवल पर गेम्स चल रही है दुनिया में और ये मैं आपको अभी रिसेंटली कुछ पिछले हफ्तों के सिर्फ वाकया सुना रहा हूँ, वरना ऐसे वाकयात सैकड़ों में हैं. मजीद सुने, ये कुछ सालों पहले की रिपोर्ट है. आपके जो NSA के हैकर्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो कि USA की एक बहुत बड़ी हैकर्स की टीम है, उन्होंने जो आपके WikiLeaks में डेटा लीक हुआ था उससे हमें मालूम हुआ कि हमारे जितने भी टेलीकॉम्स हैं, मोबलिंक हो गया, वारिद हो गया, और लेट्स इट्स बेटर कि हम उनके नाम ना लें क्योंकि इट्स गोना बी अ कन्फ्रंटेशन, लेकिन वी न्यू कि USA के हैकर्स ने, गवर्नमेंट हैकर्स ने जो कि US गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, हमारी सारी टेलीकॉम एजेंसीज को हैक किया हुआ था और हमारा सारा नेशनल डेटा उनकी एक्सेस में था. बांग्लादेश बैंक, अभी आपने जो है वो बैंक्स की जो रॉबरीज की मूवीज तो देखी होंगी, लेकिन अब आपके बैंक्स लूटने के लिए हमें गन लेकर नहीं जाना पड़ता, आप ऑनलाइन बैंक्स को लूट सकते हैं. बांग्लादेश बैंक में कुछ महीनों पहले $81 million का हैक हुआ था. पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले हमारे बैंक्स हैक हुए थे. आप में से कितनों को पता है कि पाकिस्तान के भी बैंक हैक हो चुके हैं और हमारा करोड़ों रुपया जो है वो लूटा जा चुका है, लेकिन ये चीज़ हम शर्मिंदगी के मारे सरेआम नहीं बताते. गुड, ये सब के साथ हो रहा है. बांग्लादेश का बैंक का हिस्ट बहुत बड़ा था. आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो मैंने शुरू में एक वीडियो दिखाई थी, फनी वीडियो, उसको सर्च करने के अलावा आप बांग्लादेश बैंक लिखकर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो एक चैनल ने एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो एनिमेटेड पूरी वो उस इवेंट को, उस हैकिंग के इवेंट को एनिमेटेड एक वीडियो बनाई हुई है. दैट्स ऑसम. आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दैट मूवी. और सबसे बड़ा हिस्ट्री में जो सबसे सीरियस अटैक था वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर था और ये अटैक US और इसराइल ने मिलकर किया था, जो कि उस वक्त तो उन्होंने नहीं बताया लेकिन बाद में जॉर्ज बुश के जाने के बाद ये चीज़ उन्होंने खुद एक्नॉलेज कर ली थी कि ये हमारा और इसराइल का जॉइंट अटैक था और वो इतना बदतरीन अटैक था कि आपका जो यूरेनियम प्लांट था, ठीक है, दैट वाज देयर वाज अ हाई चांस कि वो ब्लास्ट हो सकता था. इसमें आपको पता है कि एक खास यूरेनियम को इनरिच करने के लिए इन सिलेंडर्स में एक खास टेम्परेचर पर, एक खास प्रेशर पर और एक खास RPM के ऊपर रोटेट किया जाता है कि जिसके जरिए वो आपका जो केमिकल फ्यूजन है, जो रिएक्शन है, वो चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होता है जिससे वो आपका यूरेनियम इनरिच होता है. अब
उसके अंदर जैसे आपने घरों में, हमारे घरों में कुकर होता है, हम खाना पकाते हैं, एक प्रेशर उसके अंदर बिल्ड होता है, सेम वैसा प्रेशर इन सिलेंडर्स के अंदर बिल्ड होता है। और उस प्रेशर को सपोज कर लें कि अगर हम यूनिट को समझ छोड़ के हम कह लें कि डिफॉल्ट प्रेशर होता है 80 और उसके अंदर एक्स्ट्रा ओवरफ्लो प्रेशर के लिए 120 तक लिमिट होती है, तो मेलवेयर क्या कर रहा था कि वो मेलवेयर उस प्रेशर को 120 से ज्यादा, जैसे 140 या 160 तक लेके जा रहा था। अब अगर आपके घर में जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर प्रेशर को बर्दाश्त करने की लिमिट 120 हो और उसके अंदर 140 160 प्रेशर क्रिएट हो जाए तो क्या होगा? ऑफ कोर्स ब्लास्ट होगा। वो ईरान कैसे बचा? कि वो अपनी जुगाड़ियों से बचा, कि ईरान के साइंटिस्ट ने अपने जुगाड़ उस इक्विपमेंट को मॉडिफाई करके ऐसे लगाए हुए थे कि उन्होंने उस प्रेशर की लिमिट को खुद से जुगाड़ों से इंक्रीज किया हुआ था, कि जिसकी वजह से उनकी जान बची, वरना आपके दूसरे जापान के प्लांट्स ब्लास्ट होने की तरह से ईरान के प्लांट की भी खबर आनी थी और बहुत हजारों या लाखों जाने जाया होती। ये सब कैसे हुआ? मैलवेयर के थ्रू। दिस वॉज साइबर अटैक डन बाय हैकर्स। और इस तरह के अटैक्स को रोकने के लिए आपको क्या मैन पावर चाहिए? आपको हैकर्स के हंटर चाहिए, जो बोलते हैं ना शेर का शिकारी। अगर हैकर शेर है तो साइबर सिक्योरिटी में कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो शेर का शिकार करते हैं, तो इस तरह की कुछ रोल्स हैं जो कि आपको चाहिए। और FBI की जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है, अगर आप FBI की वेबसाइट पर जाएं, जैसे मैंने आपको ये आज का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, तो उनकी साइबर मोस्ट वांटेड की अलग से लिस्ट है, यानी कि वो तमाम साहिबान जो कि साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में FBI को मोस्ट वांटेड हैं, वो उनका एक अलग सफा है और वो भरे हुए हैं। लेकिन मोस्टली ऑफ कोर्स FBI उन्हीं लोगों को लिस्ट करेगी जिसको वो एंटी US समझती है। अच्छा, वैसे आप लोगों में से हाथ हैंड रेज मत कीजिएगा, लेकिन जैसे एक सवाल है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट किस किस को खटकता है? हमारे जो अलाए हैं, बहुत बड़े दोस्त हैं, क्या उनको हमारा प्लांट हजम होता है या उनको भी खटकता है? क्या हमारे प्लांट को भी वैसा रिस्क होगा? क्या हमारे पास वैसी मैन पावर है जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल सकती है, हमारे पावर ग्रिड्स को, हमारे डैम्स को? क्योंकि अब जो वॉर हो रही है वो आपकी साइबर वर्ल्ड की वॉर है, आपकी हर चीज कंप्यूटर से कंट्रोल हो रही है। आपने अगर किसी मुल्क को तबाह करना है तो आप सिर्फ अगर उसके डैम्स को हैक करके पानी रिलीज कर दो ना, तो वो मुल्क खुद जो है वो अपने घुटनों पे आ जाएगा। अगर आप उसके पावर ग्रिड्स को कंट्रोल करके पावर डिस्कनेक्ट कर दो, वो मुल्क खुद अपने घुटनों पे आ जाएगा। उसकी जितनी मर्दी स्ट्रांग आर्मी हो, वो आर्मी बॉर्डर पे लड़ेगी या अपने जो अंदर लोग मर रहे हैं मुल्क में उनको देखेगी? तो दिस इज आपकी साइबर स्पेस इज द न्यू वॉर मीडियम। और हम एक बात कहते होते हैं कि हजरत इंसान ने जितनी भी बड़ी इन्वेंशंस की उनको उसने वेपनाइज लाजमी किया है। इंसान ने सबसे पहले ये कश्ती बनाई, जंग के लिए तो नहीं बनाई थी लेकिन जंग के लिए इस्तेमाल होती है। हमने जहाज बनाया जो हमारा पानी को तो हमने कवर कर लिया, एयर स्पेस हमारी, जहाज हमने बनाए, क्या जंग के लिए बनाए थे? नहीं, लेकिन हमने उसको वेपनाइज कर लिया, उसको जंग के लिए इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह से हमारा इंटरनेट और हमारी टेक्नोलॉजी, ये बनी तो जंग के लिए नहीं थी लेकिन वैसे ही एयर वाटर, ठीक है, और आपका जो है वो लैंड की तरह से ये फोर्थ डायमेंशन है कि जहां पर अब इस वक्त कंट्रीज आपस में वॉर्स लड़ रहे हैं और आपको अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके किसी कंट्री पर चढ़ाई करने की जरूरत नहीं है कि आप बदनाम होंगे, यूनाइटेड नेशन में जाके सफाइयां देनी पड़ेंगी। जस्ट आप कुछ मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके उस कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे भाइयों, दुनिया में भाइयों और बहनों, दुनिया में एक बहुत बड़े लेवल पर साइबर सिक्योरिटी में बहुत कुछ हो रहा है। नेशन स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं, आपका जो माफिया सिस्टम है, आपका जो हमारे जज साहब ने भी रिमार्क्स पास किया था, सिसिलियन माफिया, ये सिसिलियन माफिया पहले फिजिकल हरकतों में मशगूल होते थे, अब ये भी सब साइबर वर्ल्ड्स में आ चुके हैं। रैंसमवेयर, अगवा बराए तावान, आपका जो है वो रैंसमवेयर की सूरत में आ चुका है। बैंक्स ऑनलाइन लूटे जा रहे हैं, लोगों की पर्सनल जो है वो अकाउंट्स ऑनलाइन खाली किए जा रहे हैं। हर आपका जिंदगी का तबका, अच्छा और बुरा, साइबर वर्ल्ड में, साइबर सिक्योरिटी में आ चुका हुआ है। और इस वक्त हमारे पास ग्लोबली दुनिया में
شدید کمی ہے سائبر سیکیورٹی پروفیشنلز کی. لائک یہ ابھی 2019 کا سروے ہے اور یہ آئی ایس سی اسپیئر ایک سب سے ریپیوٹیڈ سائبر سیکیورٹی آرگنائزیشن ہے اور ان کے سروے کے مطابق 145% گیپ ہے. اگر اس وقت ہمارے پاس دنیا میں 5 سائبر سیکیورٹی کے لوگ ہیں تو ہمیں 14 لوگ چاہیے ٹوٹل, یعنی کہ آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہمارا گیپ ہے دنیا میں سائبر سیکیورٹی کے لوگوں کا. اور ہماری عوام کیا کر رہی ہے, سر کھجا رہی ہے. ہمارے بچے یونیورسٹی کے بچوں کا یہ حال ہے اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا پین پوائنٹ ہے جس کو ہم بی سائٹس کے پلیٹ فارم سے سالو کرنا چاہتے ہیں کہ یار ہمارے بچوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ سائبر سیکیورٹی ایک کتنی آسم ڈومین ہے, اس میں کتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, آپ اس میں کیا کچھ کر سکتے ہیں اور دنیا میں کمپنیز میں کتنی زیادہ شارٹیج ہے اس اسکل کی. لیکن انفارچونیٹلی ہم یونیورسٹیز میں, جب میں پاکستان میں تھا اور ہم فائنل ایئر پروجیکٹس دیکھنے جاتے تھے, تو ٹو بی آنیسٹ ہمیں شاذ و نادر ہی سائبر سیکیورٹی میں کوئی پروجیکٹ نظر آتا تھا. آپ کو بھی پتہ ہے آپ کے دوست زیادہ ٹائم کہاں پر لگا رہے ہیں, اینڈرائڈ کی گیم, ہر تیسرا بندہ اینڈرائڈ کی گیم بنا رہا ہے. قصور ان کا نہیں ہے, قصور اس چیز کا ہے کہ ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے, بچے کو سائبر سیکیورٹی کا اتنا بہتر آئیڈیا نہیں ہے. جو لوگ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں باہر کی کنٹریز میں, وہ واپس آ کے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے, ان کو بتاتے نہیں ہیں. یہ وہ گیپ ہے جو ہم ابھی بی سائٹس پاکستان کے پلیٹ فارم سے فل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اپنی یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کریں تاکہ ہمارے یوتھ کو وہ ایکسپوزر ملے کہ یار سائبر سیکیورٹی واقعی ایک آسم ڈومین ہے اور اس میں کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں. تو آج کے اس سیشن میں, نیکسٹ ہاف میں, ہم ایک آئی ایم گونا گیو یو اے فیکٹری ٹور ٹو دا چاکلیٹ فیکٹری, کہ بھائی سائبر سیکیورٹی کی چاکلیٹ فیکٹری اگر آپ سمجھ لیں, اور دین الٹیمیٹلی ونس یو ہیو اسپینڈ سم ٹائم تو یو ول چوز یور اون رول کہ سائبر سیکیورٹی میں جتنے رولس ہیں ان میں آپ کو زیادہ کیا سوٹ کرتا ہے اور آپ کس رول میں زیادہ جانا پسند کریں گے, زیادہ ہیکنگ کی سائٹ پہ جانا پسند کریں گے یا پھر جو ہیکرز کو ہنٹ کرتے ہیں ان کو آپ اس طرف جانا چاہیں گے. رائٹ, جتنے بھی آپ کے سائبر سیکیورٹی میں رولز ہیں ان کو میں بہت سمپل کیٹیگرائز کرتا ہوں, اور ایک مین جو کیٹیگرائزیشن کا فیکٹر ہے وہ ٹیکنیکل سوفسٹیکیشن ہے کہ آپ کو اس رول میں جانے کے لیے کتنا سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیکل نالج چاہیے. کچھ رولز آپ کو سائبر سیکیورٹی میں ایسے ملیں گے کہ جس میں آپ کو ٹیکنیکل سوفسٹیکیشن بالکل نہ ہونے کے برابر چاہیے. تو اگر آپ ایسے ہیں کہ جس کا دماغ بزنس سائڈ پر زیادہ لگتا ہے یا آئیڈیا جنریشن پر یا آپ کے پیپل سکل زیادہ اسٹرانگ ہیں تو دیر آر ایمپل اپرچونیٹیز جن کو آپ آپٹ کر سکتے ہیں. یا اگر آپ نرڈی قسم کے ہیں, آپ کا جو ہے وہ کمپیوٹرز میں جو ہے وہ بڑا ڈیپ انٹرسٹ ہے, آپ کو کمپیوٹر اسکرین کے سامنے جو ہے وہ 12-12, 15-15 گھنٹے بیٹھنا بھی جو ہے وہ نہیں تھکاتا, تو یو ہیو آلسو این آسم ارے آف جو ہے وہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیکل رولز ان سائبر سیکیورٹی. تو سب سے پہلے جو آپ کا سب سے ایک طرح سے لو سوفسٹیکیٹڈ رول ہے وہ آپ کا کمپلائنس کا رول ہے. اس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ انڈسٹری اسٹینڈرڈس ہیں, آئی ایس او 27001 ہے, آپ کا ہپا آپ کا ہیلتھ انڈسٹریز کے لیے ہوتا ہے, ہاسپٹلس کے لیے, میڈیکل ریسرچ سینٹرس کے لیے, پی سی آئی آپ کا فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کے لیے ہے. پاکستان میں جتنے بھی بینکس ہیں یہ پی سی آئی سرٹیفائڈ لیتے ہیں, ہوتے ہیں سرٹیفکیشن ان کو چاہیے ہوتی ہے. اس طرح سے آپ کی SOC 2 بھی ایک جنرل کمپلائنس اسٹینڈرڈ ہے. کمپلائنس آپ کا ایک بہت ہی بیسک فنڈامنٹل لیول کا ایک آپریشن ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایک ہائیجین چیک کرتے ہو کسی کمپنی کی. رائٹ, اس کے اندر زیادہ آپ کو پیپل اسکل چاہیے ہوتے ہیں. آپ نے پروگرامنگ کی جو ہے وہ ڈیپتھ میں جا کے بہت کوئی خطرناک یا کوئی زبردست چیز نہیں کرنی ہوتی, لیکن آپ کو کئی گھنٹے سینئر انجینئرز کے ساتھ بیٹھ کے سر کھپانا پڑتا ہے اور ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی تم جس طرح سے پروگرامنگ کر رہے ہو یہ پروگرامنگ سیکیور پروگرامنگ نہیں ہے, ہمیں یہ کنٹرولز اس میں ڈالنے ہیں,
या भाई तुम जिस तरह से ये नेटवर्क चला रहे हो, या तुम जिस तरह से ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो और जिस तरह से ये सिस्टम चला रहे हो, दिस इज नॉट जो है वो कंप्लाइंट टू द स्टैंडर्ड्स। और उसके अंदर आपका बिजनेस एक्यूमेंट बहुत ज्यादा काउंट करता है। कई जगहों पे अगर आप सिंपल साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होकर सोचते हो तो आप हर अच्छी सिक्योरिटी की चीज करना चाहते हो, लेकिन हर जगह पे वो चीज नहीं चलती। कई आपके बिजनेसेस हैं कि जिनको सिक्योर करना नुकसान देता है और सिक्योर ना करना फायदा देता है। बहरहाल ये एक अलग दुनिया है बिजनेस की, जिसके डिटेल में अभी तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन इंशाल्लाह आगे किसी सेशन में हम बात करेंगे। बट दिस इज एन एंटायर डिफरेंट वर्ल्ड जिसके लिए डिफरेंट स्किल्स चाहिए, लेकिन ये भी साइबर सिक्योरिटी का एक डिसिप्लिन है और इसका टेक्निकल सोफिस्टिकेशन लेवल लो है। और इसको थोड़ा सा हम बुरा बाज लोग इस वजह से भी समझते हैं कि कंपनीज जो कंप्लाइंस करती हैं वो सिर्फ हम जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना मगरों लाना या सर से उतारना, वो सर से उतारने के लिए करती हैं। बहुत सारी कंपनीज कंप्लाइंस करती हैं और इस वजह से इसका प्लस पॉइंट क्या है कि इसकी नौकरियां बहुत ज्यादा हैं। आपकी अगर दुनिया में 100 कंपनीज हैं तो 100 कंपनीज में से जो है वो अक्सर को कंप्लाइंस लाजमी चाहिए होता है। आपने कंप्लाइंस देखा होगा, जैसे आपकी कुर्सियां बनती हैं, टोयो की कुर्सियां बनती हैं पाकिस्तान में, तो उसके अंदर भी ISO का एक स्टैंडर्ड होता है 9000 शायद। आपका हाशमी सुरमा बनता है, उसके अंदर भी स्टैंडर्ड होता है। आपके अपना कीबोर्ड उठाकर आप उल्टी साइड पे देखें तो आपको 2-4 स्टैम्प्स नजर आती हैं, अपने माउस के पीछे देखें तो आपको स्टैम्प्स नजर आएंगी। आप अगर कोई भी चीज किसी भी चीज की फैक्ट्री लगा के प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है और उसी को हम कंप्लायंस बोलते हैं। और इस तरह से आपका साइबर सिक्योरिटी का भी कंप्लायंस है। कंपनीज ये इस वजह से करती हैं क्योंकि उनको फिर बिजनेस नहीं मिलता, तो जस्ट टू गेन कस्टमर्स ट्रस्ट वो जो है वो अपने सर से उतारने के लिए कंप्लायंस करती हैं। इस वजह से आपकी इसकी नौकरियां भी बहुत ज्यादा होती हैं और इसकी सोफिस्टिकेशन लेवल कम है। बहरहाल लेट्स मूव नेक्स्ट टू द ऑसम पार्ट। तो हियर इट कम्स, आपके साइबर सिक्योरिटी में जो सबसे ऑसम रोल्स हैं उनको हम दो लीग्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक लीग है आपकी रेड, जिसको आप कह लो हैकर्स या ऑफेंडर्स, जिनका काम है चीजों को हैक करना, मोबाइल ऐप एप्लीकेशंस को हैक करना, वेबसाइट्स को हैक करना, नेटवर्क्स को हैक करना, उनका डेटा चोरी करना, उनका सोर्स कोड चोरी करना, हैवोक क्रिएट करना, उनकी सिक्योरिटी के कंट्रोल्स को टेस्ट करना कि कहाँ पर वीक पॉइंट है उनका, ये सारा आपका उसके लिए टूल्स लिखना, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, एवरीथिंग हम उसको एक लीग का नाम देते हैं, रेड। रेड टीम हम अक्सर एक वर्ड यूज करते हैं, एक आप उसको अम्ब्रेला टर्म के तौर पे ले लें लिटरल उसकी डेफिनेशन के बगैर। और एक दूसरी लीग है जिसको हम ब्लू बोलते हैं। ब्लू का काम है इस रेड को हंट करना, यानी कि ये रेड टीम जो हमारे नेटवर्क्स में पेनिट्रेट कर रही है, जो हमारे नेटवर्क्स को हैक कर रही है, इन हैकर्स को हैक करना या इन हैकर्स को पकड़ना वो ब्लू टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मेरा जो अपनी स्पेशलाइजेशन है वो ब्लू साइड की स्पेशलाइजेशन है। तो लेकिन इट्स ऑसम। और वैसे आपकी मिसकंसेप्शन अगर आपके जहन में आ रही है कि यू कैन बी ईदर ब्लू और ईदर रेड, दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, अगर आपको रेड का नहीं पता तो आप ब्लू भी कुछ खास नहीं कर सकते। अगर आपको ब्लू का नहीं पता तो रेड भी कुछ खास नहीं कर सकते। मसलन अगर आप क्या कहते हैं, हम अगर फिजिकल सिक्योरिटी की बात करते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी में अगर आप किसी फर्ज कर लें किसी बिल्डिंग की सिक्योरिटी कर रहे हैं और मैं आपसे पूछता हूँ कि यार जो भी आएगा हमारी बिल्डिंग पे अटैक करने वो कैसे आएगा, और अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये अटैक कैसे होता है, तो हाउ आर यू गोना प्रोटेक्ट दैट बिल्डिंग, उसकी फिजिकल सिक्योरिटी आप कैसे करोगे। तो अगर आप किसी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने बैठे हो और मैं आपसे पूछूं कि भाई आपने कभी हैकिंग होती देखी है, आप यू आर इन अ ब्लू टीम राइट, यू आर सपोज टू कैच द हैकर्स, तो आपको पता ही है हैकिंग कैसे होती है। अगर आपको नहीं पता, अगर आपने खुद से आज तक हैकिंग नहीं की, तो भाई फिर आप पकड़ोगे क्या? ठीक है, जिस चीज का आपको पता ही नहीं है तो उसको कैच कैसे करोगे। और अगर आप रेड साइड पर हो और आपने
किसी भी इन्वायरमेंट में हैक करना है, मैं आपसे पूछूं कि एक इन्वायरमेंट में क्या डिटेक्शंस होती हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता, आप कैसे फिर उस इन्वायरमेंट में मूव करोगे? हाउ आर यू गोना मूव के विदाउट रेजिंग एनी बेल्स एंड विसल्स, विदाउट रेजिंग एनी अलार्म्स? सो इट्स गोना बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू, और आप अपने शुरू के ही 10 मिनट्स में दसियों अलार्म्स रेज कर दोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सम जॉब रोल्स। जैसे हमने शुरू में एक जॉब रोल देखा, एथिकल हैकर हमने एक वर्ड देखा, तो ये एक बहुत सबसे मशहूर आप कहने के साइबर सिक्योरिटी में जो जॉब रोल है वो आपका एथिकल हैकर का है, जिसको हम पेनिट्रेशन टेस्टर भी बोलते हैं। इसमें आप डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, जिसको हम एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग लाइफ साइकिल बोलते हैं, कि आपने को जो भी चैलेंज मिला है, आपने किसी इन्वायरमेंट को हैक करना है, वो इन्वायरमेंट एक कंप्लीट इंटरप्राइज नेटवर्क भी हो सकता है, फर्ज कर लें हम कहते हैं टेलीनॉर का नेटवर्क है, या फिर हबीब बैंक का नेटवर्क है, या फिर हमारे पास क्या कहते हैं Daraz.pk का इन्वायरमेंट है, या हमारे पास जो है वो करीम या कोई और राइड हेलिंग सर्विस है, राइट? आपने ये आपका टारगेट है, तो देर इज एन इंटायर लाइफ साइकिल, एक इंटायर स्ट्रेटजी है कि जिसको आप फॉलो करते हो और आप उस इन्वायरमेंट को हैक करने की कोशिश करते हो। लेकिन सबसे जो उसमें से मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं, इनमें से एक तो आपके सामने एक नेटवर्क होता है कि जिसको आप हैक करते हो, जैसे टेलीनॉर का एक नेटवर्क होगा, जाहिर बात उनके पास दसियों सर्वर्स हैं, उनके इंजीनियर्स काम करते हैं, तो उनका कहीं पर ऑफिस होगा, तो यू ट्राई टू हैक इनटू देयर एनवायरनमेंट, जिसको हम बोलते हैं कि ये आपका नेटवर्क हैकिंग। उसके बाद आपका वेबसाइट हैकिंग, ये आपकी पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप 10 में से 8 लोगों को उठाओ और उनसे साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन पूछो, तो दैट वुड बी एक्चुअली वेब एप्लीकेशन हैकिंग। और अनफॉर्चुनेटली ये एक बैरियर है कि हमारे बच्चे जब साइबर सिक्योरिटी में आते हैं तो उनको वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी को ही साइबर सिक्योरिटी समझते हैं, और वो एक इतना बड़ा इकोसिस्टम साइबर सिक्योरिटी का, उसको टोटल इग्नोर कर देते हैं। उनको जो है वो OWASP Top 10 के थोड़े से वेबसाइट को इंजेक्शन अटैक करना आ गए, क्रॉस स्क्रिप्टिंग आ गई, और आपके रिमोट अटैक्स आ गए, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, तो वो समझते हैं कि उन्होंने साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट कर ली। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा सरफेस है आपका, अटैक सरफेस है कि आप किसी भी वेबसाइट को हैक करो, अगर वो वेबसाइट उसके पीछे कस्टमर्स का डेटा है, यूजर्स का डेटा है, तो उस डेटे को निकालो, चोरी करो, वहाँ से डंप करो, या आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सको। अगर Daraz.pk है तो वहाँ से आप जो है वो फ्री में चीज़ें कैसे मंगा सकते हो, उसके ऑर्डर को जो है वो सिस्टम को हैक करके, सो ऑन, डिफरेंट किस्म की आपके पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं। लेकिन वेब एप्लीकेशन हैकिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डोमेन। उसके बाद आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस आजकल जो है वो दे आर द सेकेंड बिगेस्ट सरफेस। मोबाइल एप्लीकेशंस को रिवर्स करना, उनको हैक करना, दैट इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग का बहुत बड़ा गिग है। अच्छा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बास लोग तो किसी कंपनी के साथ काम करते हैं या फिर किसी एक प्रॉपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लाइफ साइकिल में इंगेज होते हैं, जैसे उनको एक प्रोजेक्ट मिलता है, चाहे उनको डायरेक्ट मिले या किसी कंपनी के थ्रू मिले जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, कि यार आपने Daraz को हैक करना है, Daraz ने खुद उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और Daraz इज पेइंग देम टू हैक Daraz, सो Daraz कैन बेटर जो है वो सिक्योर द कस्टमर डेटा। लेकिन इसके अंदर बग हंटर्स भी एक डिसिप्लिन है काम का, जिसमें मोस्टली यू आर एक्टिंग एज अ लोन वुल्फ, और बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑफ कोर्स आप लोग आईटी में हो तो आप लोग जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपका अपवर्क है या फाइवर है, उनको तो आप जानते हो। समझ लो कि वैसे ही प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन हैकर वन के नाम से प्लेटफॉर्म है और कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, कि जहां पर आप एज अ लोन सिक्योरिटी कंसल्टेंट रजिस्टर करते हो, और वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि आप डिफरेंट कंपनीज की प्रोडक्ट्स को हैक करो। और लोगों ने आप ट्विटर पर देखोगे तो हजारों डॉलर्स कमाए हैं, लाइक कुछ तो ऐसे बग बाउंटीज हैं जिसमें एक एक प्रोजेक्ट में लोगों ने लाइक $20,000 कमाया है, $40,000 कमाया है, बट दे आर ऑन रेयर केसेस, लेकिन ऐसा होता है। अच्छा, उसके बाद आपका एक हाईली सोफिस्टिकेटेड
जो रेड टीम साइट पे एक डिसिप्लिन है वो आपका एक्सप्लॉइट राइटिंग का है, कि जहाँ पर आप किसी एक वल्नरेबिलिटी को, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को, चाहे वो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ओएस है, आईओएस है, या फिर आपका कंप्यूटर का प्रॉपर एक आपका विंडोज 10 है, या आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, या किसी आप नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंदर, या फिर किसी और किसी और सिस्टम सर्विसेज के अंदर, यू अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिस्टम इन सच अ डेप्थ कि आप उसके अंदर से फिर वीकनेसेस को ढूंढ सको. और जब आप किसी वीकनेस को ढूंढते हो तो फिर आप उस वीकनेस को फिर एक्सप्लॉइट करने के लिए जो कोड लिखते हो, दैट इज इटसेल्फ अ ह्यूज डिसिप्लिन. लेकिन दिस इज अमंग द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड रेड टीम डिसिप्लिन्स. एक्सप्लॉइट राइटर्स ऐसे भी हैं कि जो पूरे साल में सिर्फ दो एक्सप्लॉइट लिखते हैं और उसी से वो आराम से $8-10 lakh या $10 lakh कमा के साइट पे बैठ जाते हैं. तो और कुछ ऐसे भी एक्सप्लॉइट हैं जो कि आपके कुछ $1000 में भी बिकते हैं. बकायदा दुनिया में कंपनीज हैं जो कि आपके एक्सप्लॉइट्स को परचेज करते हैं. राइट, सो मूविंग नेक्स्ट, नाउ हम थोड़ा सा ब्लू साइट पर देखेंगे. ब्लू साइट पे आपके पास मार्केट में जो एक सबसे कॉमन जॉब रोल है वो आपको सॉक एनालिस्ट का नजर आएगा. सॉक एनालिस्ट में आप डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस को, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज सॉक एनालिस्ट हायर कर रही हैं. बैंक्स के अंदर सॉक हैं जहां पर उनको ऐसे एनालिस्ट चाहिए जो कि सॉक इज बेसिकली सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, कि उस पूरे इन्वायरमेंट को आप मॉनिटर करते हो अगेन फॉर रेड टीम एक्टिविटीज. अब वो आपकी जो ऑफेंसिव रेड टीम एक्टिविटीज हैं वो या तो लेजिटिमेट हो सकती हैं या फिर वो आपकी इल्लीगल हो सकती हैं, कि समवन विदाउट योर परमिशन is trying to break into your network and you have to look for their traces. And then is the incident response. Aapka thoda sa ye higher end job role hai SOC se, ki jahan par jab aap kisi ek intrusion ko, kisi hacker ki presence ko apne network mein detect kar lete ho, to uske baad aap usko respond kaise karte ho. Jaise aapki medical इमरजेंसीज में आपको एक रिस्पॉन्स टीम आती है जो कि इमरजेंसी मेडिकल इश्यूज को डील करने की एक्सपर्ट होती है, तो इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी में आपकी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम की एक्सपर्टीज ये होती है कि जब कोई कंपनी हैक हो जाए और उस वक्त वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, कि जैसे मैंने अपने कैरियर में जो सबसे क्रिटिकल इंसिडेंट्स को डील किया है उनमें ऐसे ही सूरत हाल थी कि जहाँ पर पूरी की पूरी कंपनी हैकर के कंट्रोल में थी और उस वक्त हमें बुलाया जाता है और हम वहाँ से काम शुरू करते हैं. हमें बैक वक्त उस हैकर को समझना होता है, उसके इंट्रूजन्स को, उसकी हरकतों को समझना होता है, उसने इस वक्त क्या हरकत की है, कहाँ कहाँ उसका कंट्रोल है, हमें उसको इरेडिकेट करना होता है और कंपनी को वो कंट्रोल वापस लाकर देना होता है और उस हैकर्स को उस नेटवर्क से किक आउट करना होता है. सो इट्स एक क्रिटिकल जो है वो आपका रोल है. इसी में आपका फोरेंसिक एग्जामिनर, आपने डिफरेंट किस्म के शोज देखे होंगे, CSI देखा होगा, और या फिर आपने जो है वो इंडिया का जो एक आता है CID, उसमें तो खुदा जानता है किस किस्म की जो है वो साइंटिफिक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन बहरहाल उस जैसी तो नहीं. लेकिन रियल लाइफ में जैसे आप किसी मर्डर सीन या क्रिमिनल सीन के ऊपर जब आप जाते हो तो आप उस सीन, उस जगह को, उस क्राइम सीन पर फोरेंसिक एनालिसिस करते हो. उस फोरेंसिक एनालिसिस को करने के लिए आप एक स्पेशल नॉलेज डिसिप्लिन को यूज करते हो. जैसे आपको वहां पर ब्लड के स्पॉट्स मिलेंगे, ठीक है, उनको, उनका फोरेंसिक एनालिसिस करना इटसेल्फ इज अ डिसिप्लिन. आपको वहां पर DNA मिलेगा, या आपको वहां पर पसीना जो है वो मिला किसी का, या किसी के बाल मिले, या कोई स्किन का जो है वो पीस मिला, या किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले, ठीक है. देर आर डजन्स ऑफ वेज के जिसमें आप उस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो. इसी तरह से एक कंप्यूटर नेटवर्क में जब कोई हैकर उसको हैक करता है तो डेफिनेटली देर आर फुटप्रिंट्स, देर आर इक्विवेलेंट ऑफ रियल फिंगरप्रिंट्स, यू हैव ब्लड स्पॉट्स,
आपको उस क्राइम सीन में हर चीज मिलती है, लेकिन आपको यू नीड नाउ अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स देन रियल लाइफ फ्रेंसिक एनालिसिस, कि जहां पर आप डिजिटल फ्रेंसिक एनालिसिस परफॉर्म करके उन हैकिंग के सीन्स को इन्वेस्टिगेट करते हो कि हैकर ने किया क्या है, इस वक्त क्या कुछ कर चुका है, आगे क्या कर सकता है, कितना हमारा एनवायरनमेंट हैक हो गया है, और सो ऑन, ताकि उस कंपनी को आप मुकम्मल डिटेल ला कर दो. तो दिस इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट अथेंटिक और मोस्ट ऑसम डोमेन्स इन द ब्लू साइड. रिवर्स इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अनदर ऑसम डोमेन, कि जहां पर आप कोड को रिवर्स करते हो. मेनली आप मैलवेयर्स को रिवर्स कर रहे होते हैं, और ये चीज आपकी हैकर्स और आपके जो डिफेंडर्स हैं वो दोनों यूज करते हैं. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने क्रैकर्स यूज किए हैं या की जनरेटर्स यूज किए हैं? इफ आई कैन सी अ रेज ऑफ हैंड्स. अच्छा कूल. अच्छा, अब आप में से कितने लोग हैं कि जिन्होंने जिनको ये आइडिया है कि ये आपके जो की जनरेटर्स हैं, ये की जेंस हैं, ये बनाए कैसे जाते हैं? सो उसके अंदर भी आपके पास रिवर्स इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द मेन स्किल, कि आपने एक एप्लीकेशन ली. फर्ज कर लें उस एप्लीकेशन के अंदर सीरियल नंबर है, राइट? आपको एक सीरियल नंबर चाहिए कि आप उस एप्लीकेशन को रजिस्टर कर सकें. अब आपने अगर उसको इलीगली क्रैक करना है, तो आप उस एप्लीकेशन को इसी तरह से किसी डीबगर में या आप जो है वो डिसअसेंबलर के अंदर लोड करते हो, और उसके अंदर जो आपका वो कोड का पार्ट, अगर मसलन आपने कोई प्रोग्राम लिखा है और उस प्रोग्राम में आप जब कोई सीरियल नंबर देते हो, तो जाहिर बात है उसके अंदर एक कोड है, कोई एक इफ एंड एल्स कंडीशंस की, एक स्टेटमेंट की एक ग्रुप है, आपके पास कोई लिस्ट है, कि जहां पर आप उस इनपुट को मैच करते हो कि वाकई आया वैलिड सीरियल नंबर है या नहीं. आप उस एप्लीकेशन को रिवर्स करके उस कोड तक पहुंचते हो, और फिर आप उस सीक्वेंस को समझते हो कि ये किस सीक्वेंस का कोड जा रहा है. और जब आप उस सीक्वेंस को समझ जाते हो, तो आप फिर उसी प्रोसीजर को खुद से लिखकर उसका की जनरेटर बना लेते हो. आपने की जनरेटर ऑन किया, बटन दबाते गए, और आपको नए से नया सीरियल नंबर जनरेट हो रहा है, और हर सीरियल नंबर उस एप्लीकेशन को रजिस्टर करने के लिए काम करेगा. क्यों? क्योंकि जिस कोड प्रोसीजर की बेस पे वो एप्लीकेशन इसको वेरीफाई करती है, उसी कोड की बेस पे ये की जनरेटर उन सीरियल नंबर्स को जनरेट करता है. तो रिवर्स इंजीनियरिंग इज अनदर हाईली सोफिस्टिकेटेड बट मोस्ट ऑसम डिसिप्लिन इन साइबर सिक्योरिटी, जो कि आपका ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों साइड्स पर उसका हैवीली यूज होता है. जब आपका कोई मेलवेयर ड्रॉप किया जाता है, तो उस मेलवेयर को ब्लू टीम्स रिवर्स इंजीनियर करके देखती है कि मेलवेयर कर क्या रहा है. जैसे आपका सोनी नेटवर्क का हैक हुआ था, अगर आप में से कुछ लोगों को याद है, सोनी जिनके ये कैमरास भी आते हैं, जो मूवीज भी बनाते हैं, और इन्होंने एक मूवी बनाई थी नॉर्थ कोरिया के ऊपर, जो कि फिर टॉरेंट्स के ऊपर लीक हो गई थी उसकी रिलीज से पहले, और 007 जेम्स बॉन्ड की मूवी का भी स्क्रिप्ट लीक हो गया था. अच्छा, उस सोनी की हैक में उन्होंने, हैकर्स ने एक मेलवेयर को डिप्लॉय किया था उनके एनवायरमेंट में, और उस मेलवेयर को रिवर्स इंजीनियर करके ब्लू टीम को पता चला था कि वो मेलवेयर बेसिकली एक टाइम बॉम्ब है, कि जिसके अंदर एक खास डेट, जो कि अभी कुछ वीक्स के बाद आनी थी, उस डेट के ऊपर जिस जिस मशीन पर ये मेलवेयर इंस्टॉल था, उस मशीन को वाइप आउट कर देने की इंस्ट्रक्शंस थी. लेकिन जस्ट बिकॉज दे वर एबल टू रिवर्स इंजीनियर द मेलवेयर बिफोर हैंड, तो वो उन्होंने उस चीज के अगेंस्ट काउंटर मेजर्स लिए थे. और इसके अलावा एक आप लोगों में से हर कोई इमरान सीरीज किस किस ने पढ़ी है बचपन में? या बचपन शायद आप लोगों का तो नहीं, लेकिन आपने शायद सुनी हो. मेरे बचपन में होती थी एक जासूसी का नावल होता था बहुत बड़ा, या आप लोगों ने स्पाई मूवीज देखी होंगी, राइट? CIA क्या करती है, आप लोगों को एक बड़ा अच्छा आइडिया होगा. अच्छा, इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस कम्युनिटी, राइट? आपको IC का हम शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं, कि आपकी ये ISI है, CIA है, इंडिया की रॉ है, और डिफरेंट आपकी यूरोपियन यूनियन की एजेंसीज हैं.
ये जिस तरह से आपके इंटेलिजेंस को कलेक्ट करती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं, उसके लिए आगे डिसीजन मेकर्स के लिए जो है वो इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स क्रिएट करती हैं, सेम उन्हीं इंटेलिजेंस कम्युनिटी के फंडामेंटल्स पे एक हमारी डोमेन है साइबर सिक्योरिटी में, जिसको हम साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस बोलते हैं। उसके अंदर भी हम वो तमाम मेंटल प्रोसेसेस जो कि आपकी CIA के एनालिस्ट यूज़ करते हैं, जो आपके इन इंटेलिजेंस इन एजेंसीज के एनालिस्ट यूज़ करते हैं, हम उन्हीं प्रोसीजर्स को, उन्हीं SOPs को, उन्हीं तरीकों को, उन्हीं सिस्टम्स को समझते हैं, सीखते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हम साइबर स्पेस वर्ल्ड में करते हैं, जहाँ पर आपकी एक ISI जैसी एजेंसी या आपकी CIA जैसी एजेंसी एक फिजिकल अटैक को डिटेक्ट करते हैं कि आया USA के ऊपर नॉर्थ कोरिया मिसाइल लॉन्च करेगा या नहीं करेगा, करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा, ईरान अटैक करेगा या नहीं करेगा। इसी तरह से साइबर स्पेस के अंदर आया पाकिस्तान में जो हमारा पावर ग्रिड सिस्टम है, इसको कौन हैक करना चाहता है? इंडिया ऑफ कोर्स, इंडिया के अलावा कौन हैक करेगा? क्या तुर्की हैक करेगा? नहीं करेगा। क्या US खुद हैक करना चाहता है? नहीं करना चाहता। इन सवालों के जवाब जब आप साइबर स्पेस में ढूंढते हो, तो वहां पर फिर आपके पास साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस आती है। और उसके अलावा सिर्फ आपकी नेशन स्टेट्स के अटैक्स के अलावा, हम जो हमारे क्रिमिनल गैंग्स के अटैक्स हैं, ठीक है, आपके माफिया, क्रिमिनल माफियाज के अटैक हैं, रैंसमवेयर डिप्लॉयमेंट्स और डिफरेंट छोटे मोटे अटैक, चोरी करना, यूजर पासवर्ड चोरी कर लेना, यूजर डेटा चोरी कर लेना, ब्लैक मार्केट में सेल कर देना, पूरी आपकी जो रेंज है अटैक्स की, ठीक है, जैसे आपकी जो इंटेलिजेंस कम्युनिटीज हैं वो आपकी नेशंस अटैक से लेकर छोटी मोटी जो है वो दहशतगर्दी की वारदातें और सारी वो तशद की वारदातें, उन सबको जो है वो करती हैं। वो अलग बात है कि वो एजेंसीज अलग अलग होती हैं, राइट, आपके जैसे US में FBI ज्यादा डोमेस्टिक क्राइम्स को देखती है, CIA जो है वो आउटर वर्ल्ड फेसिंग है। इसी तरह से हमारे पास जो साइबर सिक्योर साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस अभी उस तरह से सेग्रीगेटेड नहीं है, लेकिन इसके अंदर डिपेंड करता है आप काम किस लिए कर रहे हो। अगर आप लेट से जो है वो पाकिस्तान के कोहोटा रिसर्च लैब में काम कर रहे हो और वहां पर आप साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस की डोमेन में हो, तब आपका फोकस इंटायरली डिफरेंट होगा। अगर आप हबीब बैंक के लिए काम कर रहे हो, तब आपका फोकस इंटायरली डिफरेंट होगा कि हबीब बैंक को क्या थ्रेट्स हैं। एंड सेम गोज फॉर लाइक इफ यू आर वर्किंग फॉर टेलीकॉम और यू वर्किंग फॉर अ यूनिवर्सिटी एंड सेम, तो आपका वो अटैक का फोकस चेंज हो जाता है। लेकिन अगेन, दिस इज अनदर वन ऑफ द ऑसम डोमेन्स इन साइबर सिक्योरिटी के जिससे हमारे जो बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर कम्प्लीटली इग्नोरेंट कि यार साइबर सिक्योरिटी में, इन डोमेन्स में भी बहुत ज्यादा ऑसम अपॉर्चुनिटीज हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू वाइंड अप माई टॉक, बट बिफोर वाइंडिंग अप आई वुड वॉन्ट टू शो यू कि हमारे पास इस ऑब्जेक्टिव को रीच आउट करने के लिए हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं B-Sides पाकिस्तान के नाम से, और उसके लिए डिस्कॉर्ड इज अ चैट एप्लीकेशन। जैसे आपके पास डिफरेंट और एप्लीकेशंस हैं, तो डिस्कॉर्ड इज आल्सो वन ऑफ दैट चैट एप्लीकेशन। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल एक चैट एप्लीकेशन है, आपने उसको साइन अप करना है एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी, ठीक है। आपने अपना एक सिर्फ यूजर नेम अकाउंट क्रिएट करना है। तो वी हैव अ कम्युनिटी ऑन डिस्कॉर्ड विद द नेम B-Sides पाकिस्तान। इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन, और दिस इज फॉर योर सेक, ऑल वट वी आर डूइंग इज फॉर योर सेक। सो इफ यू वॉन्ट ज्वाइन, यू कैन जस्ट हॉप ऑन टू दिस URL discord.io/B-Sides Pakistan। वट यू विल सी इन फ्रंट ऑफ यू इज द साइन अप पेज। अगर आपके पास ऑलरेडी डिस्काउंट का ID है, तो देन आई डोंट हैव टू टेल यू, यू कैन ज्वाइन। अगर नहीं, तो यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ न्यू ID एंड यू कैन ड्रॉप इन टू आवर community server, or then you can begin your journey into cybersecurity with the help of a nationwide community जिसमें हमारे पास पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के बाहर से हमारे जो पाकिस्तानी साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में हैं और जितने साइबर सिक्योरिटी के एंथुसियास्ट हैं, दे आर ऑल इन देयर। ऑलमोस्ट वी हैव 600 प्लस मेंबर्स इन देयर,
So you are also more than welcome. So now I'll open the stage for questions. Anyone who wants to ask question, they can raise their hand and I will unmute them. और उमर अगर आप रिकमेंड करते हो तो हम वी कैन अनम्यूट एवरीवन और वहां से नहीं आई थिंक इट्स बेटर के अगर हम वन बाय वन कर लें और यू पीपल कैन आल्सो राइट क्वेश्चंस इन द चैट मैं कन्वे कर दूंगा मुस्तफा भाई को स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी अब्दुल बासित ने पूछा है पाकिस्तान में तो बासित पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी का स्कोप इज गुड वेरी गुड एट द मोमेंट और हमारे पास इस वक्त डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है लेकिन पाकिस्तान से बाहर आपके पास मिडल ईस्ट में दुबई में केएसए में कतर में सिंगापुर में इफ़ यू कैन रीच आउट टू ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन मार्केट देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप तो नहीं है लेकिन हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप कौन से कोर्सेज जिनको आप एक्सेस कर सकते हो और उनको आप पढ़ सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट कि इस वक्त आपका कैलिबर क्या है आपको कितना मालूम है साइबर सिक्योरिटी का किस तरफ आपका शौक है तो वंस यू गेट इनटू आवर कम्युनिटी हमारी कम्युनिटी आपको गाइड क्लास नहीं कर सकती है लेकिन हम ट्रेनिंग प्रोवाइडर नहीं है अहमद हसनैन वे टू स्टार्ट दैट्स अ क्वेश्चन यू शुड गेट इनटू आवर आस्क इन आवर कम्युनिटी सो वी कैन बेटर नो के अहमद हसनैन आप का इस वक्त क्या स्टेट है और आपके लिए भी बेस्ट क्या होगा बट वी हैव टू टॉक टू यू हाउ मच यू रिलेट आई टी सिक्योरिटी विद साइबर सिक्योरिटी अब्दुल अजीज इट्स IT is a major part. साइबर सिक्योरिटी में इस वक्त हमारे पास दो सेक्शन हैं जिसको हम बोलते हैं IT और OT, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी और आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको डैम का बताया राइट एक आपका जो पावर डैम है उस डैम में आपका एक पार्ट होता है जो कि आपका ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके पास वो PLC आपके प्रोग्रामेबल जो हैं वो सिस्टम्स हैं आपके पास मशीनरी है जो कि उन मैकेनिकल मशीनरी को ऑपरेट करती है लेकिन उस मशीनरी को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपका एक बहुत बड़ा IT का पार्ट है और एनीवन हु गेट्स जैसे मैंने आपको पावर प्लांट ये वाटर प्लांट की एग्जांपल बताई कि हैकर ने उस वाटर प्लांट के IT सिस्टम को हैक किया और उस IT सिस्टम से जो आपका ऑपरेशन टेक्नोलॉजी OT सिस्टम ऑपरेट हो रहा था जो कि उस पानी में क्लोरीन और बाकी केमिकल्स की मकदार को मैनेज करता है उसको चेंज कर रहा था सो IT इज द ह्यूज पार्ट इनायत टाइमिंग वक्त का जो है वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको कितना तेजी से सीख सकते हो बाबर नूर खान कहाँ से स्टार्ट करना है अगेन गेट इनटू आवर कम्युनिटी एंड देन वी विल जो है वो बी एबल टू गाइड यू बाकी कुछ क्वेश्चन भी स्टार्ट होने के बारे में है तो इट्स द सेम आंसर रोड मैप भी जो है वो ऑफ कोर्स अभी हर किसी का एक इंडिविजुअल रोड मैप होता है किसी को पाइथन नहीं आती किसी को नेटवर्किंग का नहीं पता किसी ने कभी लिनक्स यूज़ नहीं किया तो किसी ने यूज़ किया हुआ तो इट्स नॉट सेम फॉर एवरीवन अगर जिन जिन के ये क्वेश्चन है ना कि हाउ टू स्टार्ट या रोड मैप तो वो जो है वो डायरेक्टली कम्युनिटी में आ जाए सर्टिफिकेशंस की बात आपने की है तलाल नासिर सर्टिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी टू बिगिन विद साइबर सिक्योरिटी में एंट्री करने के लिए सबसे मैंडेटरी चीज है वो स्किल है आपके पास नॉलेज होना चाहिए आपके पास स्किल होना चाहिए और आपका जो सोशल मीडिया अपीयरेंस है आपका लिंक्डइन है आपका ट्विटर है उस पर नज़र आना चाहिए कि आपको कुछ आता है आप ब्लॉग लिखते हो नहीं लिखते नज़र आना चाहिए तो पाकिस्तान में एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू शो स्किल्स सर्टिफिकेशन अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग हर्डल जो कि आपको रोक सकती है तो सर्टिफिकेशन की बजाय स्किल के ऊपर अभी आप फोकस करो इब्राहिम मेहरान UET से आपका वो भी सवाल है तो आई वुड से लेट्स स्किप सर्टिफिकेशन
लेट्स फोकस ऑन कि आपको स्किल कौन से चाहिए, एंड फॉर दैट आई वुड हाईली रिकमेंड टू गेट इनटू द डिस्कॉर्ड ताकि वी कैन रोल द डिस्कशन. मोहम्मद सैफ यूट्यूब चैनल का नाम बी साइड्स पाकिस्तान है, लेकिन उस वक्त उस पर कुछ वीडियोज़ नहीं है. बी साइड्स इस्लामाबाद के नाम से आपको चैनल मिलेगा यूट्यूब पे, जिसमें हमने लास्ट ईयर जो कॉन्फ्रेंस की थी साइबर सिक्योरिटी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल सकती हैं. और उसमें हमने एक मैलवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग की वर्कशॉप भी की थी, डिटेल्ड फुल डे, उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी. साइबर एम हसन साइबर सिक्योरिटी में. अच्छा मुसब्बे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो हमारी अभी की रिकॉर्डिंग है वी आर गोइंग टू अपलोड दिस ऑन बी साइड इस्लामाबाद राइट बी साइड पाकिस्तान एक बार. बी साइड पाकिस्तान ऑलराइट फेयर एनफ थैंक यू. एम हसन लिनक्स भी यूज़ करते हैं, विंडोज़ भी यूज़ करते हैं, मैक भी यूज़ करते हैं, क्रोमबुक भी यूज़ करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम का साइबर सिक्योरिटी से कोई खास ताल्लुक नहीं है. आपका काम क्या, काम की नेचर क्या है और आपको काम किस पर आता है वो मैटर करता है. रोड मैप अगेन यू कैन कम टू डिस्कॉर्ड. ओके यस. तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ पर हैं, वी वुड हाईली इनक्रेज यू कि आप लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एक सीन क्रिएट करने की कोशिश करो. सीन क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कोई मसला प्रॉब्लम क्रिएट करो, एक साइबर सिक्योरिटी सीन क्रिएट करो. एक सोसाइटी अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी है तो ट्राई टू जो है वो मेक इट एक्टिव. बी साइड्स पाकिस्तान के साथ कोलेबरेट करो. वी कैन हेल्प यू ऑर्गेनाइज डिफरेंट इवेंट्स. और अभी हम एक हैकिंग कम्पिटिशन की तरफ हम सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में ऑर्गेनाइज करें, बट वी नीड सपोर्ट फ्राम यू स्टूडेंट्स कि आप लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ में साइबर सिक्योरिटी सोसाइटीज़ को एक्टिव करो. अगर आप में से इस वक्त कोई यहाँ पर है कि जिसकी यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी नहीं है और वो खुद से लीड करना चाहता है, तो मोर देन वेलकम, आप हमारे डिस्कॉर्ड में आओ एंड टॉक टू अस एंड वील हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल टू स्टार्ट अ साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी इन योर यूनिवर्सिटी. But definitely being a student, that should be one of your goal to get involved into a cybersecurity society. Agar already exist karti hai, agar nahi karti, then take the lead and try to create one. All right, so jitne bhi aapke mere paas text mein questions the, we can learn gain knowledge because in our universities the only thing matters is GPA. Mohammed Suleiman, yes, unfortunately kuch harsh realities hain hamari universities ki. Better to get is bajaye ki hum usme jaye. Yes, hum apne cyber security roadmap ko dekh sakte hain. Aur for you again, aapke liye kya roadmap hoga, aapko kis mein shauk hai, kya padhna chahiye, darjano sankron resources hai, right? So it's impossible for me कि मैं अभी आपको एक पूरी लिस्ट आपके सामने रखूं. तो get into the Discord, connect with जितने हमारे दूसरे पाकिस्तानी साइबर सिक्योरिटी के एंथुसियास्ट हैं, उनसे आप कनेक्ट करो एंड देन यू विल गेट गेट द आंसर्स. इफ देयर आर मोर क्वेश्चंस, आई विल बी हियर फॉर फ्यू मोर मिनट्स. अच्छा मुस्तफा भाई, एक क्वेश्चन है मेरा, मैं पर्सनली मैं चाह रहा था कि क्वेश्चन हो सकता है आप एड्रेस कर लें, मेरे जहन में भी क्वेश्चन है. क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आजकल लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट ब्लॉकचेन एआई की तरफ और आर्टिफिशियल सॉरी क्या कहते हैं उसको ऑगमेंटेड रियलिटी और इन सारी चीज़ों की तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस स्टूडेंट्स का जा रहा होता है बिकॉज दे थिंक के दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग मार्केट डेटा माइनिंग और डेटा आप कह सकते हैं. So how can a student who is interested in AI or data would like to get into cybersecurity? बहुत ही मेरे ख्याल से बड़ा वो vague किस्म का एक statement pass कर रहा हूँ, but still एक question आ रहा था तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ. अच्छा उसमें एक बात ऐसा है कि I am not subject matter expert on either of or any of the domains we have listed here, so I don't consider myself to have an expert opinion on that. Lekin ek badi awesome jo wo event tha jo aapne bhi dekha tha, hamare cyber security mein kuch companies hain jo ki bahut boost karti hain ki hum jo hai wo artificial intelligence aur machine learning aur ye bala aur wo magic
जो है वो उसके थ्रू हम अटैक्स को डिटेक्ट करते हैं, मैलवेयर्स को डिटेक्ट करते हैं। तो उसी में एक रिसर्चर ने कि जिसका आपका मशीन लर्निंग के ऊपर और एआई के ऊपर भी एक सॉलिड ग्रिप थी और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी ग्रिप थी, उसने उनके उस ऐप को रिवर्स इंजीनियर करके देखना शुरू किया और वो पीछे जो ML के सिस्टम्स यूज कर रहे थे उसके कुछ डीबगिंग इंटरफेसेस थे जो कि उन्होंने हाइड नहीं किए थे, और उस सिस्टम के थ्रू वो उनके जो ML के मॉडल्स हैं उन मॉडल्स की एफिकेसी टेस्ट कर पा रहा था। तो उसने क्या करना शुरू किया कि उसने जो है वो एक ढेर उठाया बाइनरीज का और घुमा घुमा के उस टूल को टेस्ट करना शुरू किया कि वो टूल इस बाइनरी के अगेंस्ट क्या रेटिंग देता है। तो उसको मालूम हुआ कि बहुत ही पुरानी 1990s के जमाने की एक वीडियो गेम थी, कंप्यूटर की पीसी गेम, उस पीसी गेम की बाइनरी को उस मॉडल के अंदर एक खास बायस थी कि उसको काइंड ऑफ समझ लो कि व्हाइट लिस्ट किया हुआ था। उसने सिर्फ उस वीडियो गेम की बाइनरी का एक चंक उठाया और एक रियल मैलवेयर के अंदर सिर्फ उस चंक को ऐड कर दिया, और फिर उसने उस मैलवेयर की बाइनरी को जब उस एंटीवायरस एंटी मैलवेयर सिस्टम से ऑसम मशीन लर्निंग बेस्ड मैलवेयर सिस्टम से जब गुजारा तो दैट वाज प्योर पिलियन, और वो उस एंटी मैलवेयर कंपनी के लिए जो है वो इंतहाई शर्मिंदगी का मुकाम था। तो दैट इज समथिंग यू कैन डू और पुल इफ यू हैव ग्रिप, जो कि आप जो भी इसका इन जो क्रॉस डिसिप्लिन एरिया है कि साइबर सिक्योरिटी और ML, so anything that is happening in this cross discipline and if we have interest in both there will be opportunities, like in augmented reality I am unknown, I have nothing to contribute in that part, lekin ye ek ML wala jo hai wo ek incident to is it was the most awesome incident recently. ab aise hame aise log chahiye cyber security mein कि जिनका इस चीज़ पे ग्रिप हो, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में जो मंजन बेचा जा रहा है कंपनीज की तरफ से उसमें एक बहुत बड़ा मंजन जो है वो ये आपका ML और AI इन चीज़ों के ऊपर है। तो यस वी नीड मोर गुड पीपल जो के इन चीज़ों में जो आपकी जो क्रैप है और जो रियल स्टफ है उसमें फ़र्क हमें दिखा सकें, उन लोगों को जिनको जिनके ऊपर ये जिनकी ML पे मसलन ग्रिप नहीं। मिस्टर रजा, सम ऑफ द कॉमन टूल्स यूज बाय हैकर्स, भाई सैकड़ों टूल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये कहने के लिए बैठे हैं कि मेरे भाई टूल यूज करने से आगे बढ़ के हमें टूल लिखने की तरफ जाना है हमारी कम्युनिटी को। तो बाकी जिनके भी ये क्वेश्चंस हैं कि क्या रिसोर्सेज हैं और कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमारे मेंबर्स ने ऑलरेडी जो है वो कम्युनिटी में लिंक्स वगैरह शेयर कर दिए, तो आई वुड सजेस्ट के आप जो है वो डिस्कॉर्ड सर्वर में आए और वहाँ पे जो है वो बाकी सारे लोग आपके जो है वो मिलके हेल्प कर देंगे। राइट, और आई वुड अपोलोजाइज फॉर समथिंग कि मैंने जो ये साइबर सिक्योरिटी के डिसिप्लिन हैं इसको मैंने बहुत ज़्यादा काटा है, क्योंकि जिस वर्कशॉप से मैंने ये स्लाइड्स निकाली थी अपनी वो एक 4 आवर्स की स्ट्रेट बैक टू बैक जो है वो एक वर्कशॉप थी जो कि मैंने अपनी कंपनी में हम जो यूनिवर्सिटीज़ से एक साइबर सिक्योरिटी के जो है वो इंटर्न्स ऑन बोर्ड करते हैं तो उनके लिए मैंने बनाई थी, लेकिन दैट वॉज टू ब्रॉड कि वो अगर सिर्फ वही फिर मैं शुरू करता तो शायद वो 3-4 घंटे हम वही बात करते रहते और आप सब जो है वो भाग जाते फौरन से। तो इस वजह से मैंने उसको बहुत कंसाइज रखा। देर आर मैनी डिसिप्लिन्स जो कि मैंने कवर नहीं किए इंटेंशनली, क्योंकि फिर बात जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो निकल जाती, तो मैंने सिर्फ कुछ जो है वो चीदा मोस्ट ऑसम जो रेड और ब्लू दोनों साइड से कुछ डिसिप्लिन्स है वो मैंने किए ताकि मैं 1 घंटे के अंदर अपनी बात को कम्प्लीट कर सकूँ और फिर हमें कुछ Q&A का टाइम भी मिल सके। बट these are not the only cyber security disciplines which are awesome or that exist, there are many more. bug bounty 007, Mr. James Bond bhai ne pucha hai ya behan ne pucha hai bug bounty ke bare mein, to I am myself not a bug bounty hunter and I don't qualify myself to give any expert opinion on that,
लेकिन आई हैव फ्रेंड्स इन माई सर्कल जो ये करते हैं, सो फॉर दैट आई वुड आस्क यू टू गेट इनटू द डिस्कॉर्ड, वी हैव मोर ऑसम पीपल देयर. अभी हमारे यहाँ जो इबाद भाई हैं इस वक्त कॉल में जो होस्ट कर रहे हैं, ही इज़ वन ऑफ द गुड बग बाउंटी हंटर्स, लेकिन ये बताते नहीं हैं जितनी ये मिलियन डॉलर्स कमाते हैं सालाना, दैट इज कॉन्फिडेंशियल ऑन हिज एंड. लेकिन इबाद, पीपल लाइक इबाद आर इन द डिस्कॉर्ड जो कि आपको गाइड कर सकते हैं बग बाउंटी में. सो गेट इन द डिस्कॉर्ड, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग एवरीवन. All right, so Umar, I think it's okay to conclude the session. What do you say? जी बिल्कुल मुस्तफा भाई, थैंक यू सो मच. आपने जो है वो हमें टाइम दिया, और इसके अलावा जो है वो बीसाइड्स पाकिस्तान कम्युनिटी का भी बहुत शुक्रिया, और जो हमारे लड़कों ने मेहनत की है जिनमें हमारे कॉमसेट्स हैकर क्लब, फास्ट कराची का जो साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी है, और साइबर पीयू जो है, मैं इनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ. तो इंशाल्लाह हम इसी तरह फ्यूचर में काफी ज्यादा सेशंस करवाते रहेंगे. तो आप लोग भी जो है वो डिस्कॉर्ड पे आए, और आप लोगों को वहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा रिसोर्सेज और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो वेट कर रही है आपके लिए. तो वंस अगेन थैंक यू मुस्तफा भाई सो मच. थैंक यू उमर, आपका और बाकी सबका, साइबर सिक्योरिटी सोसाइटीज का, टू इनवाइट देयर ऑल दीज ऑसम पीपल, और इंशाल्लाह आई थिंक वी आर टेकिंग स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन. ठीक है, चले अब हम सेशन एंड करते हैं. तो रिकॉर्डिंग जो है वो हम बी साइड्स पाकिस्तान के चैनल पे शेयर कर देंगे, तो जिन जिन लोगों ने मिस कर दिया तो उनसे भी मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि हमारे एंड से जो है वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी ज़्यादा ऑडियंस. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी टॉक होगी उसमें हम लोग जो है वो बेटर अरेंजमेंट्स के साथ आएंगे. Alright then. Assalamu alaikum. चले, थैंक यू एवरी वन फॉर कमिंग, होप यू विल हैव अ गुड नाइट. तो अल्लाह हाफिज़.